जय जवान जय किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा जो कृषि यंत्र यदि आपको खरीदते हैं, हेरा, प्लाऊ, कल्टी, थ्रेसर, आप कोई भी कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो उस पर आपको 40 से 50% तक सब्सिडी दी जाती है। तो उस 40 से 50% सब्सिडी आप कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें तथा नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो में हम आपको एक चीज़ और बताएंगे कि जो भी कृषि यंत्रों पर जो सब्सिडी मिल रही है उसके लिए आपको किस कार्यालय में संपर्क करना है, उसके लिए आपको क्या क्या पात्रता है, मतलब आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए, आपके पास कौन सा कितनी जमीन होनी चाहिए, वो सारी पात्रता के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप किसी अन्य राज्य से हैं, राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं, तो उन राज्यों के लिए भी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है, तो उनके बारे में भी हम वीडियो बनाकर जल्दी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो इस वीडियो को भी अन्य राज्य के लोग ध्यान से देखें, क्योंकि सभी राज्यों में जो प्रक्रिया है वो लगभग समान ही है। तो वीडियो को आप देखते रहें तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार की जो कृषि विभाग राजस्थान सरकार है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, agriculture.rajasthan.gov.in, इस पर जाकर आप और अन्य जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि कृषि यंत्र पर जो सब्सिडी है उसके बारे में क्या प्रक्रिया है। तो देखते हैं दोस्तों कि कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम है उसमें क्या है। तो कृषि उत्पादन में आधुनिक कृषि यंत्रों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50% तक अनुदान दिया जाता है। यानी जो लघु एवं सीमांत किसान है या सभी किसानों के लिए ये योजना है, मतलब चाहे लघु सीमांत किसान हो चाहे बड़े किसान हो, जो किसान है उसके लिए यह योजना है, मतलब सभी जो किसान है वो इसको योजना का फायदा ले सकते हैं। तो इसकी पात्रता क्या रहेगी दोस्तों, यदि आवेदक के पास में स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए, अविभाजित परिवार, यानी यदि उसके स्वयं के नाम कृषि भूमि नहीं है तो उसके जो दादा के नाम जमीन है या परदादा के नाम जो जमीन है उसमें परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना चाहिए, यानी बट्टा उसके लगा हुआ होना चाहिए, जमीन में बट्टा लगा हुआ होगा तो वो सरकारी योजना का फायदा ले पाएगा और इस योजना का फायदा ले पाएगा। दूसरी जो पात्रता है वह है दोस्तों, समस्त श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा, मतलब हर श्रेणी के किसानों के लिए योजना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं हो, BPL हों, सीमांत हों, लघु एवं अर्ध मध्यम कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो ये श्रेणी बताई है इस श्रेणी में यदि आप आते हैं तो आपको यह योजना का लाभ सबसे पहले मिल पाएगा। इसके तहत दोस्तों पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वरीयता निर्धारित कर पात्र कृषकों को अनुदान दिया जाएगा तथा ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं लिया है, उन किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उन्हें पहले इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर योजना का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना जरूरी है। यानी ट्रैक्टर चलित जो कृषि यंत्र है उसके यदि आप योजना का फायदा लेना चाहते हैं, जैसे आप थ्रेसर लेना चाहते हैं, कल्टी लेना चाहते हैं या फिर हेरा, प्लाऊ या अन्य जो ट्रैक्टर से संबंधित जो कृषि यंत्र है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दोस्तों जो ट्रैक्टर है वो आपके नाम रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए, या जिस व्यक्ति के नाम घर में ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन है उसी के नाम से उसका फायदा लिया जा सकता है। अगली जो पात्रता है वह है दोस्तों, एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र, यानी जैसे सीड गम फर्टिलाइजर ड्रिल हो गया, प्लाऊ हो गया, थ्रेसर हो गया, हेरा हो गया, कल्टी हो गई या अन्य जो भी कृषि यंत्र हैं, उस पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक ही बार अनुदान दे होगा, मतलब 3 साल में एक कृषि यंत्र पर एक बार ही अनुदान या सब्सिडी वह ले सकता है। था एक कृषक को दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में अलग अलग प्रकार के अधिकतम तीन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकता है, मतलब आप एक वित्तीय वर्ष में यानी 3 सालों में आप 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान ले सकते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों पात्रता की बात। इसके अलावा यदि आपको कुछ समझ नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो उसके लिए आपको किस कार्यालय में संपर्क करना होगा वो हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी योजना चैनल को नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि
तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की, या तो सब्सिडी योजना है या जो लोन योजना है, उन सभी योजनाओं का फायदा आप तक पहुँच सके। चाहे आप किसान हो, चाहे युवा हो, महिला हो, सभी योजनाओं की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों दे अनुदान यानी अनुदान कितना होगा वह देखते हैं। तो कृषकों को चिन्हित कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है। तीनों योजनाओं के अंतर्गत योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट वन पर उपलब्ध है, वह आप इस वेबसाइट पर जाकर आप देख लेना, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपूर्ति स्रोत क्या होगा दोस्तों, तो अधिकृत एवं पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति या ग्राम सेवक सहकारी समिति, राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता या विक्रेता से कृषि यंत्र को खरीदने पर आपको अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। मतलब यदि आप कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की योजनाओं का फायदा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो कृषि यंत्र है वह कहाँ से खरीदना होगा ये इसमें बताया गया है। तो वह है दोस्तों कि जो पंजीकृत क्रय विक्रय समिति है या ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा जो भी पंजीकृत निर्माता या विक्रेता है वहाँ से आप कृषि यंत्र खरीदते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अगला है दोस्तों कि वह कृषि यंत्रों का क्रय, कौन से कृषि यंत्र आप क्रय कर सकते हैं, तो वह कहाँ से आपको क्रय करने हैं वो बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए कि हस्त चालित या बैल चालित, मतलब आप हाथ से चलाने वाले कृषि यंत्र, या बैल के द्वारा या किसी पशु के द्वारा चलाने वाले, शक्ति चलित या ट्रैक्टर के द्वारा चलित कृषि यंत्रों का क्रय, कृषक किसी भी श्रेणी का यंत्र संबंधित जिले के कृषि कार्यालय की लिखित सहमति के उपरांत अधिकृत पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति या निर्माता या विक्रेता से मोल भाव के पश्चात पूरी कीमत चुकाकर सीधे उसे खरीद सकता है। सीधे उसे खरीदने के बाद में उसको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको वो फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भर के जमा करवाना होगा, अपने जो कृषि पर्यवेक्षक है उसको जमा करवाना होगा, जिससे आपको इस योजना का फायदा मिल सके। दोस्तों कृषक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी दलहन के अंतर्गत लोकल इनिशिएटिव कार्यक्रम के अनुमोदित सीड स्टोरेज बिन्स और मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर की कुल लागत में से निर्धारित अनुदान राशि कम कर शेष का भुगतान कर अधिकृत पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति या ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऑफलाइन क्रय कर सकते हैं। लाभान्वित कृषकों की सूची एवं बिलों को संबंधित जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान संबंधित क्रय विक्रय सहकारी या ग्राम सेवा सहकारी समिति को किया जाएगा। दोस्तों अनुदान आवेदन हेतु समय सीमा क्या होगी, मतलब आपको आवेदन, आपको जो सब्सिडी के लिए आवेदन है वो आपको कब करना होगा, तो वह दोस्तों है जो संबंधित कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरांत यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी अनुदान हेतु आवेदन करना होगा, तथापि कृषि जो कृषक है वह संबंधित वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु पात्र माना जाएगा। जैसे आप कोई कृषि यंत्र खरीदते हैं, कृषि यंत्र खरीदने के साथ ही आपको उसका आवेदन करना होगा, तो आवेदन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, तो पूरी जानकारी देखते रहिए। आवेदन प्रक्रिया है वो देखते हैं, उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अभी बारिश का सीजन शुरू होने वाला है और जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार हैं, वो ग्राम सेवा सहकार समिति या सहकारी समितियों में जो फर्टिलाइज बीज है वो आपको उपलब्ध करवाती है। उसके अलावा दोस्तों बीज के अलावा आपको और भी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर जरूर बता देंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब वीडियो को शेयर कर दें, तो उनकी जानकारी भी जल्द हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित ई मित्र कियोस्क है, यानी अपने जो नज़दीकी ई मित्र है वहाँ पर जाकर आपको जो भी ई मित्र शुल्क होगा वह देकर यदि कोई हो तो जमा करवाकर समस्त आवश्यक दस्तावेज हैं उनकी स्कैन कॉपी सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी जिले के कियोस्कों की सूची आपको www.imitra.gov.in पर देखी जा सकती है, या आपको अपने नज़दीकी जो शहर लगता है वहाँ पर आपको यह इमित्र मिल जाएगा, या आपके जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर भी इमित्र की सुविधा आजकल सरकार ने उपलब्ध करवा रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती संबंधित कियोस्क द्वारा कृषक को दी जाएगी, यानी जो रसीद आपको पंजीकरण की रसीद दी जाएगी वो आपको संभाल कर रखनी है। सभी श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन पत्र के साथ कृषक की सौ हस्ताक्षरित बिल की प्रति
यानी जो बिल आपके जो कृषि यंत्र खरीदा उसका जो बिल होगा उस पर आपके हस्ताक्षर की जो प्रति है, उसके अलावा दोस्तों भामाशाह कार्ड या आपका जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी, उसके साथ अनुदान क्लेम विभाग के स्थानीय कर्मियों या अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होना, बचत खाते की पासबुक, आपका जो बैंक अकाउंट है बचत खाता है उसकी पासबुक की फोटोकॉपी और अन्य जो भी वांछनीय दस्तावेज हैं वो आप अपने कृषि जो प्रवेशक है उससे पूछ सकते हैं, वो प्रतियां आपको साथ में अपलोड करनी होगी। दोस्तों यदि कृषक द्वारा यंत्रों का क्रय अन्य जिलों के पंजीकृत स्रोतों से किया गया है तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्रोत का प्रमाण अनुदान क्लेम के साथ भी आपको प्रस्तुति करना होगा। तो यह दोस्तों आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन के बाद में जो अनुदान का भुगतान है वो कैसे होगा, तो उसके बारे में बता रहा हूं कि कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी आपके अप्रूव हो जाएगी तो अप्रूव होते सीधे आपके खाते में जो सब्सिडी का पैसा है वो आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। तो अपने बैंक की पासबुक आप बैंक में जाकर बार बार चेक करते रहना था। अन्य जिले के पंजीकृत स्रोतों से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्लेम का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जाएगा। दोस्तों पंजीकृत निर्माताओं विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी जो विक्रेता है या जो निर्माता है उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी, आपको अपने बैंक खाते में डायरेक्ट आपको क्लेम मिल जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको कहां पर संपर्क करना होगा, यदि आप इसकी और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको आपको जो ग्राम पंचायत स्तर पर तो आपका जो कृषि पर्यवेक्षक है उससे संपर्क करें, यदि पंचायत समिति स्तर पर आपका संपर्क करना चाहते हैं तो वहां पर आपका जो सहायक कृषि अधिकारी होगा उससे जाकर संपर्क करें, तो उपजिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि विस्तार या उद्यान कृषि अधिकारी हैं उससे आप संपर्क कर सकते हैं, या जिला स्तर पर आप संपर्क करना चाहते हैं तो उपनिदेशक कृषि यानी विस्तार यानी उपनिदेशक उद्यान जो अधिकारी है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। था इन जो अधिकारी हैं उनके यदि संपर्क सूत्र आपके पास नहीं है, टेलीफोन नंबर आपके पास नहीं है, तो आपके जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है आप उससे जाकर पूछिए, सरपंच आपको सबकी जानकारी जरूर दे देगा। तो ये सब जानकारी मैंने आपको बताई दोस्तों कि जो कृषि यंत्रों पर 40-50% की सब्सिडी आपको मिल जाएगी, यानी यदि आप 20,000 रुपये का कोई कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उस पर आपको 10,000 रुपये आपको सब्सिडी मिल जाएगी, यानी मात्र आपको 10,000 रुपये में 20,000 रुपये का कृषि यंत्र आपको उपलब्ध हो जाएगा या आपको मिल पाएगा। तो ये थे दोस्तों कृषि यंत्रों पर जो अनुदान वितरण कार्यक्रम है राजस्थान सरकार की योजना, तो अन्य राज्य सरकारों की योजना भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो इसके अलावा जो अगली जो योजना हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो वह होगी दोस्तों कि जो बीज मिलता है आपको वो बीज में आपको कितने रुपये की छूट पर मिल रहा है, यानी आपको कम से कम भी 2500 रुपये प्रति क्विंटल की छूट आपको बीज में मिल जाएगी, उसका वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को जुड़े रहें, नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें जिससे आगे आने वाले सभी सरकारी योजनाओं की सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय किसान भाइयों।